पाकिस्तान के खिलाफ जिस मैच का बेसब्री से इंतजार था, अपने स्टार खिलाड़ियों की धुआंधार बैटिंग देखने के लिए हर कोई बेकरार था, उन भारतीय फैंस को बस निराशा ही मिली है। न्यूयॉर्क में इस महामुकाबले में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाजों से बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विराट कोहली और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पूरी तरीके से फेल रही। कोहली तो पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम रहे, वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर फैंस का दिल तोड़ दिया और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उनके फ्लॉप शो का सिलसिला न्यूयॉर्क में भी जारी है। न्यूयॉर्क में पहली बार हो रहे भारत पाकिस्तान मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और वही हुआ जिसका डर जताया जा रहा था। पहले से ही नैसो काउंटी स्टेडियम की पिच अपने अजीबोगरीब बर्ताव के कारण चर्चा का मुद्दा बनी हुई थी। उस पर बारिश के कारण हुई देरी ने तेज गेंदबाजों के लिए स्थिति को थोड़ा और मददगार बना दिया। ऐसे में पहले बैटिंग करना मुश्किल था और वही साबित हुआ जब दूसरे ही ओवर में विराट कोहली सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहला विकेट जल्दी गंवाने के बाद नजरें कप्तान रोहित शर्मा पर थीं, जिन्होंने पिछले मैच में करीब ऐसे ही हालातों में एक दमदार अर्धशतक लगाया था। इस मैच में भी रोहित शर्मा ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी की तीसरी ही गेंद पर बेहतरीन छक्का जमा दिया। इससे रोहित से बड़े स्कोर की उम्मीद जगी थी। फिर तीसरे ओवर में भी रोहित शर्मा ने शाहीन पर एक चौका जमाया। रोहित से कुछ ऐसे ही शॉट्स की उम्मीद टीम इंडिया को थी और वो इसी कोशिश में तीसरे ओवर में ही आउट भी हो गए और एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में रोहित के बल्ले से बड़ा स्कोर नहीं निकल पाया। भारतीय कप्तान ने 12 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 13 रनों की पारी खेली। इस मैच से पहले वर्ल्ड कप में रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 पारियों में सिर्फ 68 रन बनाए थे, यानी कुल 6 पारियों में अब 81 रन रोहित के नाम है। वहीं उनका औसत अगर आप देखेंगे तो 14.11 का है और स्ट्राइक रेट भी मात्र 117.59 का है। तो ये बात रही रोहित के खराब रिकॉर्ड्स की। कप्तान साहब का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप में तो कभी नहीं चला। वहीं आज विराट कोहली भी पूरी तरीके से फेल रहे और शायद इसी के चलते टीम इंडिया 120 के स्कोर तक 20 मैच में नहीं पहुंच पाई।